मामला बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक से है, जहां मोहंदी पाठ गांव के माध्यमिक शाला में पदस्थ गणित विषय के शिक्षक के रवैये और मनमाने से ग्रामीण परेशान है, जिसके चलते ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की और मांग पूरी न होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक अपने मनमाने रवैये के चलते टाइम पर स्कूल नहीं पहुंचता है और न ही बच्चों को पढ़ाता है, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। वही समझाइश देने के बाद भी शिक्षक ने ग्रामीणों के साथ अभद्रता की, जिसके चलते ग्रामीणों ने कलेक्टर से मामले की शिकायत कर दी और जल्द ही शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मिडिल स्कूल में 4 शिक्षक हैं, हेडमास्टर बीमार हैं और एक बाहर से बुलाए हैं और 2 तो पढ़ाते नहीं हैं। एक रमेश चतुर्वेदी है, वो बिल्कुल पढ़ाते नहीं हैं और बोलते कि जो करना है कर लो, मैं पढ़ाई नहीं सकता करके। डीओ ऑफिस में जाकर हम लोग लिखित में दिए हैं, बोलते हैं कि 3 पीरियड पढ़ाना ही करके, अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होने पर हम लोग 11 तारीख को चक्का जाम करेंगे। हमारे यहाँ माध्यमिक में